बहुत शुक्रिया आप लोग अब तक तशरीफ फरमा है। क्या बात, मतलब है कि तेरी मर्जी नहीं फिर भी जलूंगा, तेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी नहीं फिर भी जलूंगा, अंधेरी रात को रोशन करूंगा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह वाह, तेरी मर्जी नहीं फिर भी जलूंगा, अंधेरी रात को रोशन करूंगा। शेर देखे, अंधेरी रात को रोशन करूंगा, तेरी फूंकों से मैं बुझ भी गया तो, शेर देखे, तेरी फूंकों से मैं बुझ भी गया तो तेरे चेहरे पे कालक पोत दूंगा, तेरी फूंकों से मैं बुझ भी गया तो तेरे चेहरे पे कालक पोत दूंगा, और मैं बरगद हूँ जड़े मेरी बहुत है, मैं बरगद हूँ जड़े मेरी बहुत है, मैं तुझसे कट के भी जिंदा रहूंगा, मैं बरगद हूँ जड़े मेरी बहुत है, बहुत अच्छे भाई, मैं तुमसे कट के भी जिंदा रहूंगा। वो नज्म मैं सुनाऊंगा अजीजम अयाज ने जी, बहुत शुक्रिया। सूरज हमसे डर जाएगा, सूरज हमसे डर जाएगा, छोटी सी नज्म है। हफ्स है इतना, इतनी घुटन है, हफ्स है इतना इतनी घुटन है, गर्मी की शिद्दत है इतनी, बड़े बड़े हालात से लोहा लेने वाले योद्धा सूरज के आतंक से डरकर अपने अपने घरों में यूं दुबके बैठे हैं, जैसे किसी बिल्ली से डरकर चूहे बिलों में छुप जाते हैं। ऐसी शिद्दत की गर्मी में जब बादल का नन्हा मुन्ना टुकड़ा कोई सामने सूरज के आता है, ऐसा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। बादल के छोटे से टुकड़े से जब इतना माहौल बदल सकता है, सोचो हम सब मिलकर सूरज के आगे दीवार बने तो क्या होगा। सूरज हमसे डर जाएगा, डर के मारे किसी गुफा में छुप जाएगा। क्या वो नज्म सुना दूं मैं, क्या नाम है उसका, दूसरा जिस्म सुना दूं उसके बाद। एक नज्म है, इसमें उर्दू वाले में नहीं है, इसमें हिंदी वाले में है, और इसकी थोड़ी सी तमीज यह है कि 3-4 साल पहले मुझे जिस्म पर पूरे छाले निकले, अच्छा पूरे जिस्म पे, और वो सिलसिला चलता रहा। 10-15 दिन वो रहते थे, खत्म होते थे, फिर दूसरा सिलसिला शुरू होता था, वो खत्म हो गए कि तीसरा जो है शुरू हो गया है। तो यूं लगा जैसे मैं जख्मों की खेती कर रहा हूँ, उसी सिलसिले में मैं आता हूँ 2-3 महीने में जो है इलाज के लिए एम्स में। नज्म सुनिए, इसका उन्वान है दूसरा जिस्म। अच्छा, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, इसमें ड्रामा भी है शायरी भी है, बार अरे मजरात ने देखी है नज्म दूसरा जिस्म। आज पतझड़ से जीवन में पहले पहल, आज पतझड़ से जीवन में पहले पहल, मेरे बेरंग बंजर बदन की जमीन बुलबुलाने लगे, जलजला जिस्म में ऐसा बरपा हुआ, सब दफीने खजीने बदन से उबलने लगे, आबलों और छालों के अंकुर निकलने लगे, लाल पीले हरे बैगनी जख्म के फूल खिलने लगे, मेरे बेरंग बंजर बदन की सभी लहलाने मेरी हैरत बढ़ाने लगी, मेरी मिट्टी भी उपजाऊ है इस कदर मैंने सोचा न था, एक महीने में जख्मों की 6-7 फसलें कटी,
जिंदगी भर की मरहूमियों का गला मिल गया, जिस्म की लहलहाती जमीन देखकर मेरा जी खुश हुआ। जख्म पहला जो था दाग है, क्या बात है, दूसरा सूखने के मराहिल में है, तीसरा फूल की तरह खिलता हुआ, और चौथा कली की तरह चटकता, पांचवा हूबहू है कली, और छठा छठा केचवे की तरह गीली मिट्टी में आहिस्ता से रेलता है, सातवां कुलबुलाता है जेरे जमीन, आठवां हंस रहा है, आठवां हंस रहा है फलक पर, पांव जैसे मेरे मोर के हो गए, हाथ फूलों का दस्ता हुआ, जिस्म पर दाग के चांद तारे चमकने लगे। ये अच्छा, ऐ खुदा इस नवाजिश पे तेरा बहुत शुक्र है, ऐ खुदा इस नवाजिश पे तेरा बहुत शुक्र है, लेकिन अब इस बदन की जमीन आने वाली नई फसल के वास्ते तंग पड़ने लगी। मेरे मालिक तू अब आबलों की नई फसल को रोक दे, या मुझे दूसरा जिस्म दे, या मुझे दूसरा।